अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। किसी दोस्त ने सवाल किया है कि क्या नेशनैलिटी लेने के लिए इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के बाद आपको जो लाइफ इन यूके है वो ज़रूरी है, या इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है। तो बिल्कुल, इनडेफिनेट लेने के बाद आपको 12 महीने वेट करना पड़ता है अगर आप ब्रिटिश नेशनल के स्पाउस नहीं हैं। तो उसके लिए आपको B1 और लाइफ इन यूके पास करना ज़रूरी है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन भी हासिल है। अगर आप बूढ़े हैं, 65 से ऊपर हैं या 18 साल से कम हैं, तो बिल्कुल आपको एग्जम्पशन है। दूसरा यह है कि अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपका डॉक्टर वो फॉर्म फिल करके दे सकता है, वो लेटर दे सकता है और आपकी मेडिकल रिपोर्ट साथ लगा सकता है, तो बिल्कुल आपको एग्जम्पशन हासिल है, बेशक आपकी 65 उम्र ना भी हो। अगर आप किसी वजह से लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट पास करने से नाकाम होते हैं या आप नहीं कर सकते, तो फिर आप डॉक्टर की वो जो डिसेबिलिटी रिपोर्ट और लेटर, वो फॉर्म आप लगा के आपको एग्जम्पशन मिल सकती है और आपकी नेशनैलिटी हो सकती है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप एग्जम्पशन, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और इंशाल्लाह आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।